दोस्तों, एनसीएस दिल्ली की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पीजीटी टीजीटी टीचर्स की यहाँ रिक्रूटमेंट आई हुई है और ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की जहां तक बात है, मिनिमम एज 21 साल इनके लिए निर्धारित की गई है और मैक्सिमम 50 साल। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन एनसीएस दिल्ली टीचर्स रिक्रूटमेंट 2023 से जुड़ा हुआ ये रिक्रूटमेंट नोटिस है। दोस्तों, सबसे पहले पीजीटी ज्योग्राफी की वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की वैकेंसी है। इनके लिए मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी 50% अंकों के साथ। और जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने 10+2 में और ग्रेजुएशन पे में भी पढ़ रखा हो। एज लिमिट 21 से 50 साल, 1 जुलाई को आधार मानते हुए आयु की गणना की जाएगी। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन ये भी कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की है। इनके लिए मास्टर्स डिग्री और बीएड और सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन में भी कंसर्न सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो और वही एज लिमिट है 21 से 50 साल। टीजीटी साइंस की वैकेंसी भी है कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की। इनके लिए बीएससी आपने कर रखी हो और बीएससी रेगुलर कोर्स के रूप में आपने कर रखी हो, मतलब रेगुलर कर रखी हो कम से कम 60% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो 50% अंकों के साथ। और आपने टीजीटी साइंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी में भी साइंस स्ट्रीम से आपने कर रखी हो, मतलब साइंस से आपने 12th कर रखी हो। एज लिमिट वही 21 से 50 साल इनके लिए भी निर्धारित की गई है। इसके बाद टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है, यह भी कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की है। इनके लिए बीए आपने कर रखी हो कंसर्न सब्जेक्ट में 60% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ बीएड 50% अंकों के साथ, वही एज लिमिट है 21 से 50 साल। प्राइमरी टीचर की भी यहाँ रिक्रूटमेंट आई हुई है कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की। इनके लिए ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो 55% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन स्टडीज एज रेगुलर कोर्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन 50% अंकों के साथ। एज लिमिट 21 से 50 साल इनके लिए भी निर्धारित की गई है। डांस इंस्ट्रक्टर की रिक्रूटमेंट भी यहां आई हुई है और म्यूजिक टीचर की रिक्रूटमेंट भी आई हुई है। इन सभी के लिए एज लिमिट 21 से 50 साल है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ncsdelhi.nesnavy.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके और एप्लीकेशन फॉर्म भर के सभी डॉक्यूमेंट वगैरह उसके साथ लगा के स्कैन करके और इस ईमेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं 20 नवंबर 2023 तक। ₹100 एप्लीकेशन फीस भी आपकी लगेगी, तो यह ध्यान रखिएगा। ₹100 एप्लीकेशन फीस आप इस अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी आपको मेल करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही, ये आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न टेस्ट 2 दिसंबर 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। रिक्रूटमेंट आ रही है नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली की तरफ से। ये कहाँ है? चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली में है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है ncsdelhi.nesnavy.in। ऑफिशियल वेबसाइट होम पेज पे ही आपको ये देखिए नोटिस दिखाई दे जाएगा, 2 दिसंबर 2023 को रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका रीड मोर पे आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और इसी में नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचाती थी वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।